स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की क्लास में। और इस क्लास में हम सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी अब तक सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड 6 वीडियो और एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड 7 वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड भी एक वीडियो MCQ टाइप में चैनल पर अवेलेबल है। तो यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव मेथड से होना है इस बार, तो आपके लिए ये सभी वीडियोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 471। थियोडोर न्यूकॉम के शोध के अनुसार वेनिकटन कॉलेज के छात्र 1930 वाले दशक में अपने बाद की मनोवृत्तियों में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होते पाए गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो न्यूकॉम थे, न्यूकॉम ने वेनिकटन कॉलेज में एक रिसर्च किया था और उस रिसर्च के अनुसार उन्होंने यह पता लगाया कि जो 1930 के बाद के जो स्टूडेंट्स थे, उनका जो एटीट्यूड था वो किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, अपने माता पिता द्वारा, रोमांस करने वाले सहयोगियों द्वारा, अपने संदर्भ समूह द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका संसार की घटनाओं के द्वारा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अपने संदर्भ समूह द्वारा, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस प्रभाव, एस इफेक्ट में परिस्थिति अस्पष्ट होने के बावजूद भी व्यक्तियों के निर्णयों पर निम्नांकित में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो एस इफेक्ट में जब परिस्थितियां अस्पष्ट होती हैं, उस समय भी एकमतिक समूह बहुमत, ए यूनिनिमस ग्रुप मेजॉरिटी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 473। मिलग्राम के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारी के प्रति अंध आज्ञाकारिता, ब्लाइंड ओबीडियंस, अधिकतर --- का परिणाम न कि का परिणाम। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अधिकारी के प्रति एक कर्मचारी है, एक वर्कर है, और उसका अपने अपर लेवल का जो अधिकारी है उसके प्रति जो आज्ञाकारिता है, जो उसकी बातें मानता है, तो किस वजह से मानता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, परिस्थिति जन्य बल का परिणाम न कि व्यक्तित्व का परिणाम होता है। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर अब इस कथन को पूरा पढ़ते हैं कि मिलग्राम के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारी के प्रति अंध आज्ञाकारिता अधिकतर परिस्थिति जन्य बलों, सिचुएशनल फोर्सेस के कारण होती हैं, का परिणाम होती हैं, ना कि पर्सनालिटी का परिणाम। यानी जो एक पर्सन है, एक कर्मचारी है, वो अपने बॉस की बात मानता है, तो मैक्सिमम टाइम में वो अपने बॉस की बात इसलिए मानता है क्योंकि वहाँ का सिचुएशन ऐसा है, वो जिस परिस्थिति में काम कर रहा है उस परिस्थिति, वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि उसको अपने बॉस की बात माननी ही है, ना कि वो इसलिए मानता है कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474। निम्नांकित में से कौन समूह के सदस्यों की सामाजिक तुलना द्वारा उत्पन्न परिस्थिति के बारे में प्रत्यक्षणों एवं विश्वासों का सर्वसम्मति होता है। तो आपका यहाँ पर सोशल रियलिटी, सामाजिक वास्तविकता ऑप्शन सही होगा, इसलिए आप ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475। पिग्मेलियन प्रभाव से तात्पर्य निम्नांकित में से किसके प्रभाव से होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक प्रत्याशा, सोशल एक्सपेक्टेंसीज, अनुरूपता के लिए सामूहिक दबाव, ग्रुप प्रेशर टू कन्फर्म, आत्मसेवी अभिनति, सेल्फ सर्विंग बायस, संज्ञानात्मक असंवादिता, कॉग्निटिव डिसोनियंस। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है सामाजिक प्रत्याशाएं, सोशल एक्सपेक्टेंसीज। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 476। गुड़ारोपण सिद्धांत निम्नांकित में से किससे
संबंध प्रश्नों का उत्तर देने का एक सामान्य उपागम है। तो गुणारोपण, जैसा कि हम जानते हैं कि गुणारोपण में हम दूसरे के व्यवहार के पीछे क्या कारण है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, घटनाएं एवं क्रियाएं क्यों होती हैं। अगला क्वेश्चन 477, फ्रिजहाइडर के अनुसार हम लोग सभी अंतर्ज्ञानी मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि हम में से प्रत्येक यह कोशिश करते हैं क्या, तो हमें से प्रत्येक यह कोशिश करता है कि वह दूसरों को विश्लेषित करे ताकि हम लोग यह नियंत्रित कर सकें कि वह क्या करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 478, हालांकि अधिकतर संस्कृतियों में व्यक्तिक आक्रामकता को नीचा देखा जाता है, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के प्रति सैनिक आक्रामकता दिखलाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को अमानवीकरण, डी ह्यूमनाइजेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 479, गुणारोपण सिद्धांत की उत्पत्ति निम्नांकित में से किनके लेखन से हुई। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि फ्रिजहाइडर का गुणारोपण से संबंधित एक कथन था, तो यहाँ पर जो गुणारोपण सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी वो फ्रिजहाइडर के लेखन से हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 480, कैली के अनुसार यदि व्यक्तित्व विभिन्न समयों में एक उद्दीपक के प्रति एक ही ढंग से क्रिया करता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो अगर एक पर्सन एक उद्दीपक के प्रति एक ही तरह का व्यवहार करता है, वो भी डिफरेंट टाइम पर, तो हम उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं, संगतता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि एक व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन में एक उद्दीपक के प्रति सेम बिहेवियर करता है, मतलब एक ही व्यक्ति के प्रति सिचुएशन चाहे जैसी हो लेकिन सेम बिहेवियर करता है, तब हम उसको कंसिस्टेंसी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 481, अधिकतर संभावना यह है कि लोग वैसे व्यवहार के लिए बहाना ढूंढते हैं जो उन कारणों पर केंद्रित केंद्रीगत होता है जो होते हैं। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब पर्सन किसी कार्य को करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। तो जब सिचुएशन अनियंत्रित हो, मतलब अनकंट्रोलेबल हो, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके और बाह्य हो, तब पर्सन वैसे कार्य को करने के लिए बहाना ढूंढता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 482, हम लोग व्यवहार का गुणारोपण आंतरिक कारणों के रूप में करते हैं, अगर संगतता। यहाँ पर आपका मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऑप्शन बी सही होगा। अगर संगतता उच्च होती है तो विशिष्टता निम्न होगी, और इसके साथ साथ सर्वसहमति भी निम्न होगी। तो यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, कि गुणारोपण में जो आंतरिक कारण होते हैं उसमें अगर संगतता उच्च है तो विशिष्टता और सर्वसहमति भी दोनों ही निम्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 483, आत्मसेवी अभिनति सेल्फ सर्विस बायस एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से सफलता का गुणारोपण कारणों तथा असफलता का गुणारोपण कारणों के रूप में होता है। तो जो सेल्फ सर्विस बायस है उसमें जब भी पर्सन को सफलता मिलती है तो वो उसका श्रेय आंतरिक कारणों को देता है, और अगर वो असफलता मिलती है तो उसका श्रेय वो बाह्य लोगों को देता है, बाह्य कारणों को। जैसे अगर उसने टॉप कर दिया तो हाँ मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने टॉप किया है, और अगर वो कम मार्क्स आ गया या फेल हो गया तो एग्ज़ामिनर ने कॉपी नहीं सही से चेक की, एग्ज़ामिनर टीचर तो मुझसे नाराज़ रहता है, वो तो मुझसे
जलसी करता है इसलिए उसने मुझे फेल कर दिया, तो वो ऐसे रीजंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484, यह विश्वास करने की प्रवृत्ति कि अन्य लोगों में भी उसके विचारों से सहमति है को कहा जाता है, मतलब अपने आप में ही विश्वास कर रहे हैं कि दूसरे भी मेरी बातों से सहमत हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम गलत सर्वसम्मति प्रभाव, फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट कहेंगे। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 485, अनुरूपता में यौन अंतर पर किए गए शोधों से यह स्पष्ट हुआ है, मतलब जो कन्फर्मिटी है उसमें जेंडर डिफरेंस पर रिसर्च हुआ तो उससे ये प्रूव हुआ कि जो हाल के वर्षों में कन्फर्मिटी में जेंडर बायसनेस बहुत ही कम देखने को मिले, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 486, मिलग्राम के आज्ञा अनुपालन अध्ययन में जिसमें प्रयोज्यों को दूसरों को आघात पहुँचाने के लिए कहा गया था, कितने प्रतिशत प्रयोज्यों ने पूर्णतः आज्ञा का पालन किया? तो मिलग्राम ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे उनको सामने वाले पर्सन को क्षति पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन इस रिसर्च में जो फैक्ट निकल कर आए उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 65% लोगों ने ही इस निर्देश का पालन किया, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 487, बड़े प्रार्थना लार्ज रिक्वेस्ट से प्रारंभ करके फिर छोटे चीज़ की प्रार्थना करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जैसे आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज के लिए तुम अपनी मुझे कार दे दो, अब वो कहता नहीं कार तो नहीं मिल पाएगी, तो क्या हो रहा है कि आपने डिमांड कम कर दिया कि अच्छा चलो कार नहीं तो बाइक ही दे दो। तो इसे हम साइकोलॉजी की भाषा में डोर इन द फेस टेक्निक कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488, बढ़े हुए अनयन इंक्रीज्ड परसुएशन से निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो संबंधित नहीं है, परिवर्तन से वक्ता को कुछ प्राप्त होने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 489, केली के अनुसार अगर व्यक्ति विभिन्न उद्दीपकों के प्रति एक समान ढंग से प्रतिक्रिया करता है तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? इससे पहले भी हमने एक कंडीशन देखी थी जिसमें एक पर्सन सामने वाले पर्सन के प्रति डिफरेंट टाइम्स में एक ही बिहेवियर करता है, तो हमने उसे कंसिस्टेंसी कहा था, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि एक पर्सन अलग अलग उद्दीपकों के प्रति एक समान बिहेवियर कहा जा करता है, तो इसे निम्न विशिष्टता, लो डिस्टिंक्टिवनेस कहा जाएगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 490, मौलिक गुणारोपण त्रुटि से तात्पर्य दूसरों के व्यवहार को आंतरिक कारकों के रूप में व्याख्या करने की प्रवृत्ति से है, यानी सामने वाला पर्सन अगर कोई बिहेवियर कर रहा है और उसमें कोई त्रुटि है, मतलब या उससे कोई गलती हो जाती है, तो क्या सोचा जाता है कि उसने तो ये जानबूझ कर किया, इसका कारण आंतरिक था, तो यहाँ पर जबकि यह एक त्रुटि के रूप में, क्योंकि हर बार कारण आंतरिक ही नहीं हो सकता, तो इसीलिए मौलिक गुणारोपण त्रुटि से तात्पर्य दूसरों के व्यवहार को आंतरिक कारकों के रूप में व्याख्या करने की प्रवृत्ति से होता है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 491, वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा व्यक्ति यह पूर्व कल्पित करता है कि वह अमुक समूह का सदस्य है क्योंकि उसमें विशिष्ट व्यक्तियों का सील गुण है को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहते हैं प्रतिनिधि मूलक स्वतः शोध, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।